अभी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए आज ये खुशखबरी है। यकीनन आप सबके चेहरे पर ये हंसी लाएगी। देखिए ये भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, अब आप लोग भी हंसेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव, जी हाँ बहुत बड़ा बदलाव। आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी वो 2-3 दिन पहले पानीपत पहुंचे थे और पानीपत आते ही उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे जानकर सुनकर बीजेपी दंग हो गई है, हैरान हो गई है, चौंक गई है कि राहुल गांधी ने ये क्या कर दिया। जी हाँ, ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन आज तक किसी ने नहीं किया था। फिलहाल राजू तेलवाला हमारे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये पूर्व पार्षद रह चुके हैं, इनेलो में रह चुके हैं। इसी के साथ इन्होंने पिछले दिनों देखा था आपने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया था, लेकिन अब ये कांग्रेस में आ चुके हैं। ये बताइए, राहुल गांधी ने पानी बताते ही सबको चौंका दिया है। देखो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, किसी को बुलाने या करने की जरूरत नहीं। हम वहाँ सुबह 7:45 बजे से लेकर 12:30 बजे राहुल गांधी जी आए, पूरा जन सैलाब था। हम बवैल नाके पे थे, हमारे नेताजी बुल्ले शाह भी साथ थे, हमारे उनके पुत्र विपुल शाह भी साथ थे। किसी को हमने एक संदेशा दिया है बुल्ले शाह ने, पूरा तहसील कैंप इधर से सभी लोग जुड़े हैं और पूरा जन चला। पप्पू क्या कर पाएगा, बीजेपी वाले कहते पप्पू क्या करेगा, क्या किया पानीपत में पप्पू ने। ये समय होता है, आज पप्पू है कल बापू हो जाएगा, सभी समय का परिवर्तन है, वक्त आता है हर एक के ऊपर, ये समय का वक्त आता है। कांग्रेस ने दुकान खुलवा दी है, ये पूरे पानीपत में लोग मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठ गए हैं। देखो मोहब्बत की दुकान, ये भाईचारा, इसमें सभी का संदेश है, सभी धर्मों को साथ लेके किसी के दरवेश ना होना। अब मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ है उसको गलत आदमी को गलत कहो, धर्म के आधार पर नहीं, गलत को गलत कहो, गलत को सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गलत को गलत की सजा मिलनी। ये बताइए इतनी जनता कहाँ से आई थी, कहाँ से बुलाया था आप लोगों ने? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, जब लोगों ने राहुल गांधी का संदेश, लोग सवेरे 6:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ठंड के अंदर खड़े रह गए हैं, लोगों में जुनून था उनको देखने का और उनको सुनने का। राजू जी कांग्रेस ने कमाल ही कर दिया, जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें तो खुशी की लहर सी दौड़ गई है, इतनी बड़ी खुशखबरी तो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया था। देखो जब समय आया था, परिवर्तन था, बीजेपी के पास कुछ नहीं था, 2014 में बीजेपी की लहर आ गई। आपको मालूम था कि हरियाणा के अंदर कभी भाजपा की सरकार आएगी, कभी 2 या 3 या 4 सीटें आती थी, लेकिन जब 2014 में माहौल बना, मोदी जी आते, सब जगह मोदी जी हो गए, कांग्रेस नीचे 70 पर पहुंच गई। आज वही राहुल जी दोबारा 3000 किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं, आज लोगों का उमड़। राजू जी आप पानीपत से हैं और पानीपत में भी बात की जाए, ग्रामीण विधायक, शहरी विधायक, किसी के साथ राज्यसभा सांसद, करनाल लोकसभा सांसद, सब पानीपत के ही हैं, लेकिन पानीपत की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। ये इनको देखना चाहिए, आज MP भी हमारा है, सभी MLA भी बीजेपी के हैं, इनको देखना चाहिए, शहर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शहर कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। क्या क्या समस्या है, एक बार समस्या बता दीजिए पानीपत में इस समय क्या क्या समस्या है। समस्या आप देख रहे हो, सड़कें देख रहे हो, कौन सी सड़क मेरे को गली दिखा दो जो साबित पड़ी हो, सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर तरह बुरा हाल है, प्रॉपर्टी ID, ये काट कटना, गरीबों के राशन ना मिलना, अब गरीबों ने राशन के लिए अचार तो घर में डाल रखा था, अब गेहूँ मिली नहीं, अचार घर में पड़ा था, अभी चलो गेहूँ मिल जाएगी, रोटी बना के खा लेंगे, तो मिला ही नहीं, अनाज ही नहीं मिला, वो परेशान है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी। आप मेरे, अरे गरीबी तो हटा दी राजू जी, वो आपने देखा होगा अब 1,80,000 से जितने कम वाले हैं उनकी BPL बन रही है, सारा काम हो रहा है उनका, और कईयों के राशन कार्ड भी कट गए। सरकार को चाहिए इनको दोबारा जोड़े, लोग धक्के ना खाएं, लोग आज धक्के खा रहे हैं, घर घर जाके इनका राशन कार्ड जोड़ना चाहिए हर गरीब का, जो नजायज ले रहा है उसको काट दें आप। हरियाणा के जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि रामायण के किरदार देखे आपने, मोर मुकुट लगाकर वो दशरथ बन जाता है, लेकिन वो सच में दशरथ नहीं होता है। राहुल गांधी दाढ़ी बनाकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो हमेशा पप्पू थे और पप्पू ही रहेंगे। ये पप्पू लोगों ने नाम दिया और बापू भी यही लोग कहेंगे, बापू भी यही लोग कहेंगे और कोई नहीं कहेगा। हमारी जनता की सोच समय के साथ बदल जाती है। कांग्रेस ने कई सालों तक पानीपत में राज किया, अब लग रहा है कि फिर से दो बार तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तीसरी बार में क्या होने वाला है? तीसरी बार में अब कांग्रेस की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी, और शहरी विधायक हमारे बुल्ले शाह जी बनेंगे,
और ग्रामीण जिसको टिकट देगी वो बनेगा। ये बताइए, इस पूरे दौड़ में आपको भी देखा जा रहा है, आपका नाम भी हर जगह चर्चा में है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए राजू तेलवाला जैसा, क्योंकि राजू जब बोलना शुरू करता है तो अच्छो अच्छो की बोलती बंद कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं, हम सत्य बोलते हैं, बोलती मन हम सत्य बोलते हैं। आज सत्य आप दिख रहा है शहर को, आप देखो जाके, आपने आंखें थोड़ी बंद कर रखी, आपको भी दिखता है। अच्छा, पानीपत में आपने देखा प्रवासी मजदूर ज़्यादा रहते हैं, प्रवास के बाहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। अभी कल परसों आपने देखा होगा एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा होता है जहाँ पर एक ही परिवार के 6 लोग जो गैस सिलेंडर के रिसाव के कारण उनकी मौत हो जाती है। क्या मानते हैं, इसमें भी उस परिवार की गलती थी या गलती किसकी थी? देखो, ये सर्दी का मौसम था, गैस उनको समझ जो कम समझ थी, गैस रिसाव होता रह गया और उनको समझ नहीं आई कैसे रिसाव हो रहा था। लेकिन ये बहुत ही दुख समाचार है, चाहे हिंदू या मुस्लिम, मानव के आधार पर ये बहुत दुख समाचार है। और इसको आगे यानी कि गैस एजेंसियों को भी समय पर सिलेंडर देते समय लीकेज चेक करें और ये चीज़ें चेक करने के लिए जनता को सुझाव दें और सिखाएं। लेकिन गुप्त सूत्रों के आधार से ये भी सूचना मिल रही है कि जो परिवार था वो ब्लैक में वो सिलेंडर लेकर आया था और वहाँ पर बड़ी लापरवाही भी हो सकती है शायद। देखो, अब सिलेंडर लेके आया था ये कैसे, आप खुद कंपनी को भी ये प्रोवाइड करना चाहिए, एक आधा सर्विस मैन रखना चाहिए जो समय समय पर चेक करे। लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस जिस तरह से पूरे लोगों के ऊपर अपनी छवि छोड़ती जा रही है, हर जगह राहुल की चर्चा हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है, आज हर जगह चर्चा यही है, क्योंकि 8 साल हो गए, 9 साल इस सरकार को, सरकार से किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं मिलाकर कह रहे भ्रष्टाचारी की सरकार है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं, पहले जो काम 10 रुपए में होता था आज वो राजू जी कम से कम के अधिक जो बड़े नेता हैं आपके दोस्त हैं और आप कह रहे हैं कि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा, अफसरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं आए हैं। जैसे झोटे के अंदर नथ डालनी पड़ती है ना, झोटा चलाना पड़ता है, इनको अफसर चलाने नहीं आ रहे, नथ नहीं डाल, इनको चलाना नहीं आ रहा है, अब इन MLA को MP को इनको चलाना नहीं आ रहा है, मतलब भाजपा पर अफसरशाही कायम हो गई है। हाँ, इनके पास कोई चला जाए, हमारे बस का काम नहीं है, कौन करवाएगा? जब तुम्हारे बस का नहीं है तो कौन करवाएगा ये काम? जब ये नेता ही नहीं करवाएंगे तो कौन कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं, मेरे को बताओ, हम कहाँ जाएं? MLA के पास जाते हैं, ये मेरे बस का नहीं। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तब धक्के नहीं खाएगी आम आदमी? धक्के देखो, अब उस वक्त का समय क्या कहता है, लेकिन कोशिश है सुधार करके इन चीज़ों को। आज हम कह रहे हैं कि सुधार हर पार्टी को करना पड़ेगा। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी पूछा था और अब भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस में क्या देख कर गए आप? कांग्रेस में मैं एक जो अच्छी नीतियाँ आप ये ला रहे हैं, ये भ्रष्टाचार बढ़ गया, आगे हम भी इनको कहेंगे, देखो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो सरकार पर राज नहीं करेगा, जो अच्छा काम करेगा वही करेगा। आज लोग इनसे तंग आ गए, अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो रह जाएगी, नहीं तो कांग्रेस भी चली जाएगी। एक बार अपना नाम बता दीजिए। राजू तेलवाला, सभी जानते हैं। तो ये हमारे साथ राजू तेलवाला थे, जो कि जब बोलते हैं तो अच्छो अच्छो की बोलती बंद कर देते हैं, और आपने देखा किस तरह से ये खुलकर बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस में भले हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार होता है तो जनता उसे भगा देगी, उसे नहीं बनाएगी, उसकी सरकार नहीं लाएगी। यही एक अच्छे राजनेता का जो परिचय होता है। आप लोगों से अपील है, इस खबर को साथ के साथ शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।